हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज अभी आ गया हूँ मालदा रेलवे स्टेशन में। मालदा रेलवे स्टेशन में आया हूँ मैं और मालदा रेलवे स्टेशन में आज मैं रात को स्टे करूँगा और यहाँ पे मैंने डॉर्मेट्री रूम बुक किया हूँ। आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा कि मालदा रेलवे स्टेशन में डॉर्मेट्री रूम है या आपका डबल बेडरूम है वो कैसा है, किस तरह से है, देखने में कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज मैं दिखाऊंगा और कैसे आप बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो बुकिंग होगा ही नहीं, पहले बोल देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ऑनलाइन में बुकिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन में कैसे बुकिंग करता हूँ अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पहले कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है मालदा रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात, अगर आपको IRCTC का डॉर्मेटरी रूम या आपको यहाँ पे वेटिंग रूम मिल जाएगा, AC वेटिंग रूम, उसके लिए आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डॉर्मेटरी रूम चाहिए तो आपको ऑनलाइन में IRCTC का वेबसाइट में जा करके आपको वहाँ से बुकिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, ये IRCTC का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आकर के आप बुकिंग करना पड़ेगा आपको पे नाउ दे करके, ठीक है। दोस्तों मालदा स्टेशन में जो डॉर्मेटरी रूम है उसका प्राइस जस्ट 71 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपको 71 रुपीज़ लगेगा, ठीक है ना। और अगर आपको IRCTC का AC वेटिंग रूम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको जो PNR है, PNR दे करके आप स्टेशन में जो टिकट काउंटर है वहाँ पे जाकर बोलेंगे कि मुझे AC डॉर्मेटरी रूम चाहिए, AC वेटिंग रूम चाहिए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो वो लोग आपको टिकट बना कर देगा, ठीक है। आपको PNR चाहिए, PNR से आपको बुकिंग होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पहले कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है मालदा रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। ये अंदर से हमें एंटर किया हूँ, ठीक है। एंटर करते ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर वन पे आपको मिलेगा डॉर्मेटरी रूम। ये देखिए, ये डॉर्मेटरी रूम देख रहे हैं, डॉर्मेटरी एंड रिटेनिंग रूम, ठीक है। ये देखिए, तो ये है और यहाँ से मैं अंदर पे घुस जाऊँगा, पासपोर्ट में है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे रेट चार्ट वगैरह दिया हुआ है, क्या क्या है, AC के लिए क्या है, क्या प्राइस है, हमें इसके लिए क्या है, डॉर्मेटरी का जो प्राइस क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाएगा इसमें। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ी से ऊपर जाते ही आपको फर्स्ट फ्लोर में लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। ये देखिए, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे काउंटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एंट्री वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री वगैरह करके आप अंदर पे आप अपना बेडरूम में घुस जाइए, ठीक है। रिटर्निंग रूम 2, 3, 4, डॉर्मेटरी रूम, ये सब आएगा, SCL by SCL, ठीक है। ये देखिए, डॉर्मेटरी रूम नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेड बुकिंग है, ये देखिए मैं अपने अपने रूम पे आ गया हूँ और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये देखिए, यहाँ पे आपका फ़ैन मिलेगा, एक फैन रहेगा आपके बेड के नीचे, बेड के ऊपर, और इस तरह से एक बेड रहेगा, ठीक है। ऐसे बेड रहेगा, सिंपल से एक बेड है और इस तरह का चेयर भी रहेगा, टेबल भी रहेगा। दर्पण भी रहेगा, ये देखिए ड्रेसिंग टेबल भी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे खाना वाना वगैरह खा सकते हैं ला करके, ठीक है। ये देखिए, आपको लेटरिन बाथरूम दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको वेस्टर्न और इंडियन दोनों है इसमें फैसिलिटीज है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप मालदा रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं और आपको रहना चाहते हैं तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, ज़्यादा समय के लिए अगर रहना है तो डॉर्मेटरी रूम लेकर रह सकते हैं या आप डबल बेडरूम ले सकते हैं, या आप 2-3 घंटे के लिए रहना है तो आपको वेटिंग रूम मिल जाएगा, AC वेटिंग रूम, जो 20 रुपीज़ पर आवर लेते हैं, 20 रुपये करके घंटे का लेगा पर आवर 20 रुपीज़ करके। ये देखिए, ये वेटिंग रूम है, AC वेटिंग रूम, देखिए। ये देखिए, मैंने भी यहाँ पर रहा था 3-4 घंटे के लिए, ठीक है। मैं ऐसा भी रहा था और उसमें भी रहा था, उसमें अगर रात को स्टे करने के लिए मैं डॉर्मेटरी रूम में रहा था, और अगर 2-3 घंटे के लिए मैं मुझे रहना है तो मैं यहाँ पर रहा था, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक मतलब सब कुछ अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। जो आपको दिखा दिया, देख रहे हैं, और यहाँ पे आकर के आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको बेड मिल जाएगा, इस तरह से आपको बैठने के लिए आराम से मिल जाएगा। कोई कोई तो खाली रहने से आपको सो भी सकते हैं यार, ठीक है ना। तो इस तरह से फैसिलिटीज है मालदा रेलवे स्टेशन में। तो अगर आप मालदा रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं, एक बार आइए, विजिट करिए और अपना जिस तरह से फैसिलिटी चाहिए इस तरह से फैसिलिटी लीजिए, ठीक है। तो चलिए भैया, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से नया नया अपडेट लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए, मैं आराम से सो रहा हूँ, देखिए पैर उठा करके, लेकिन आप भी ऐसा करके आराम से सो सकते हैं।